integers p and q, if two positive integers p and q, if two positive integers p and q are written as, question likhe, question number 7, section b, Oswal. Oswal sample paper ka question hai. If two positive integers p and q are written as, p is equal to a to the power 2, b to the power 3. ये p का वैल्यू है, p equals to a square, b का q, and q, is equals to, a cube b, where a and b are prime numbers, then verify, LCM of PQ, LCM of P, Q multiplied by HCF of P, Q is equals to P into Q. बहुत ही गजब क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. देन वेरीफाई एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू, एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू पी इनटू क्यू. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. ये देखिए, पहले हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ पी पी. पहले एक काम करो, आप पी इनटू क्यू निकाल के रख लो, क्योंकि आपको लेकर के आना आरएचएस में. तो पहले हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, हम पी इनटू क्यू निकाल लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. P given us, ऐसे लिख देंगे थोड़ा सजाने के लिए, given that P is equal to A to the power 2 and B to the power 3. Okay बच्चो, A to the power 2 and B to the power 3, and Q is equals to A to the power 3 and B का power, sorry, कुछ नहीं है, मतलब B, A to the power 3 into B. Now, so P multiplied by Q, that you can write PQ is equals to a square b का cube multiplied by a की power 3 और b की power 1. आया ना बच्चों, base same होती है तो power क्या होती है, add होती है कि subtract होती है, add होती है. तो power 2 power 3, total power कितनी 5, और b की power कितना 4. तो ये आ चुका है हमारे पास p into q. क्या आ चुका है? p into q. अब आ जाओ, निकालते हैं LCM of p into q. LCM आए वो पास से सबसे निकालते बनता हुआ HCF, LCM. पहले HCF निकालते हैं, ज्यादा अच्छा HCF रहता है. Now, HCF of P, Q. तो दो नंबर हमारे पास small Q था, दो नंबर है HCF. पहले इसका HCF निकालते हैं. तो P क्या है? A square B का Q. अब ये हम कह रहे हैं कि A और B prime number है. तो जब yes, एक दो सब prime number है. मतलब इनको और कोई factor नहीं हो सकता. Okay? तो ये prime number है. तो prime number जैसे मान लो 2. तो 2 कई बार आता है, तो आप क्या लिखते हो? 2 into 2 into 2. तो यहां पर a की पावर 2 को लिख सकते हो. देखो hcf ऑफ p into q, समझना पहले कैसे निकालेंगे. p को लिखा हमने a into a, बोलो हां, यस सर. और q b कितने बार है? b, यस. तो b into b into ये आ गया भैया p अपने पास. अब देखिए q लिख रहा हूं मैं, q is equal to a कितने बार है? a into a into a into कितना b. अब चलो ये अपने फैक्टर लिख लिए सबसे पहले फैक्टर. अब यहीं से HCF आएगा और यहीं से LCM आएगा. ना यहां लिखना था फैक्टर्स ऑफ p एंड q, p एंड q ये फैक्टर हो गए. अब HCF देखिए, HCF में केवल वो पेयर आते हैं जिनकी जोड़ी बनती है, ये तो याद होगा ना. यस सर. हां, तो जिनकी जोड़ी बनती है, बोलो a की जोड़ी बन गई? यस सर. एक बार पर एक बार रुक तो जाओ, दो मिनट. P और Q पहली जोड़ी, ये क्या बन गई? दूसरी जोड़ी A into A, और B की, बोलो आप. यस सर. तो मतलब HCF आ गया कितना अपने पास? A square B. HCF कितना आ गया? A square. अब LCM चाहिए. तो LCM में वो भी आते हैं जिनकी जोड़ी ना बने. यस सर. तो देखिए LCM लिख रहा हूं, LCM of P and Q is equal to, ध्यान से LCM, ये तो आएंगे ही. Yes, sir. ये तो एक-एक बार आएंगे ही, आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. अब यहाँ पर किसकी जोड़ी नहीं बनी? B. एक
बी इसकी बनी क्या? नो सर। एक और बार बी इसकी बनी क्या? नो सर। एक और बार ए आया ना? चलिए ए ए ए कितना? ए क्यू। बी 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 कितना? बी क्यू। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास आ चुका है पी क्यू, इसको नंबर वन दे दो। ठीक है, अब देखो यस एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। चलो बैटरी डाउन हो गई है। अब एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ देखो कितना आया है ए स्क्वायर बी और एलसीएम कितना? ए क्यू बी क्यू। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तीन पावर दो पावर कितनी पावर? पांच पावर। और बी की पावर कितना? चार। दोनों सेम है? यस सर। यस, तो दिस पार्ट लिखेंगे हेंस हेंस प्रूव। ओके लिखिए, LHS इक्वल टू RHS। LHS लिख लीजिए कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई जो इसके इक्वल आ गया। नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।